गुड मॉर्निंग साहब। और कैसे हैं? बस बढ़िया। आज क्या तारीख हो गई? आज हो गई 29। और कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से। कानपुर से। और आप? मैं चेन्नई से। चेन्नई। कब आए थे आप पठानकोट से? हम आज सुबह आए। कितने बजे चले पठानकोट से? पठानकोट से हम चले 4:30 बजे। और डलहौजी कितने बजे पहुंचे? डलहौजी हम आ गए थे 7:30-8 बजे के आसपास। अच्छा, तो कैसा रास्ता था? रास्ता खुला था ना, बारिश भी नहीं थी। अच्छा, सब सही था। और आज कैसा मौसम है? मौसम तो बढ़िया है आज। ठंडी हवा, धूप सब है, अच्छी है। अच्छा मौसम है ना। अच्छा मौसम। तो जितने भी लोग डलहौजी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं, और डलहौजी में अगर आप लोग घूमने के लिए आते हैं, तो जो डलहौजी लोकल है, जैसे जो डलहौजी का पूरा दायरा है, उसमें आप लोग क्या क्या घूम सकते हैं, तो चलो आइए आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो डलहौजी के लोकल साइट सीन है उसकी जानकारी जो है आज। 300 में डलहौजी है। ये देखो, ये बस आई है ना, ये तो इधर से आई हैं गाड़ियाँ ना, ये आने का रास्ता है। ये जब कोई खजार से इधर उधर से लौट के आएंगे तो ये आने का रास्ता, ये है बस स्टैंड। फिर आगे आएगा सुभाष चौक और फिर गांधी चौक। दो चर्चे हैं इधर, एक ये सुभाष चौक पे है और एक आगे फिर गांधी चौक पे है। तो आप दोनों चर्चों में जा सकते हैं। बस स्टैंड से जो ये सुभाष चौक है आपका, ये आधा किलोमीटर है ये। तो इधर ऑटो रिक्शा कुछ चलता नहीं है, या तो आप टैक्सी से इधर आ सकते हैं जैसे घूमना, या फिर पैदल टहलते टहलते आप आ सकते हैं। और सुभाष चौक में ये चर्च है ये। तो ये घूमने का आ गया सुभाष चौक में चर्च, और इधर ये छोटी सी मार्केट है। जैसे जो इधर आसपास में लोग होते हैं तो शाम के टाइम इधर टहलने के लिए जाते हैं। और इधर ये जो है, ये जो ठेला जैसा लगा हुआ, ये वाला, ये गर्म सड़क है। ये गर्म सड़क और ये ठंडी सड़क है। ये इस रोड से हमारी आगे गाड़ी जा रही है, तो मेन रोड है ये। ये मेन रोड है। और ये देखो, ये खजियार, यही रास्ता जाता है खजियार, पंचकूला, जो भी साइड सीन है ना, ये मेन रोड है ये। जैसे जो भी बस वगैरह चलती है बस स्टैंड से, तो इसी रोड से घूम के वो जाएगी, और जब वापस लौटेगी तो गांधी चौक से दूसरे रोड से लौटेगी, घूम घाम के फिर वही बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। हाँ, ये पूरा राउंड करके फिर बस स्टैंड ही आ जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते ही। अरे पूरा पहाड़ है ना इसका, राउंड है ये, कि जिस तरफ आप चले जाते हैं उस तरफ का हमें दिखना शुरू हो जाता है, उस तरफ का व्यू आता है, चारों तरफ देख सकते हैं हम। बीच का पहाड़ है ये। पंचकूला में वाटरफॉल है ना? हाँ, पंचकूला में वाटरफॉल है। पंचकूला में वाटरफॉल है और एडवेंचर एक्टिविटी होती है उधर ना, बर्मा ब्रिज वगैरह, रैपलिंग, जिप लाइन, ये है। और वहीं से एक गंजी पहाड़ी के लिए ट्रैक भी जाता है। अच्छा। अगर किसी को ट्रैक ट्रूक करना है तो उसका रास्ता भी पंचकूला से ही है। और ये देखो, ये सुभाष चौक से गांधी चौक जो है ना, ये लगभग 1 किलोमीटर है। ये बस स्टैंड से गांधी चौक, बस स्टैंड से सुभाष चौक है 0.5 किलोमीटर। और ये सुभाष चौक से जो ये गांधी चौक है माल रोड, ये 1 किलोमीटर है। ये 1.5 किलोमीटर में हम बस स्टैंड से गांधी चौक आगे। आपका कहीं भी सुभाष चौक पे होटल है या माल रोड पे, तो आपको ये एक दूसरे चौक पे जाना, तो आदमी टहलते टहलते पैदल भी जा सकता है। गाड़ी लेके जाएंगे तो पार्किंग की समस्या, आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जितना आपका होटल नज़दीक था, गाड़ी उससे भी दूर हो जाएगी ना। फिर घूमने के बाद फिर आपको गाड़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा दूर, तो उससे अच्छा ये पैदल ही टहल सकते हैं आप। ये है डलहौजी की मार्केट, मेन मार्केट ये। तो लोग जो बस स्टैंड इधर उधर होते हैं तो यहीं पे वो घूमने के लिए आते हैं। ये एक थी सुभाष चौक पे चर्च ना। हाँ, जोन्स चर्च है। और वो, हाँ, तो ये देखो 1863 में बनी है ये। हाँ, और ये जो ऊपर जा रही है रोड, ये जाती है खजियार, ये जिससे ये गाड़ियाँ आ रही है ना, तो कल हम उधर गए थे, ठीक है। और अब यहाँ से जो पंचकूला है आपका, वो 3 किलोमीटर है यहाँ से पंचकूला, ये जाती है पंचकूला के लिए सड़क। तो इसी पे एक सतधारा आता है और एक पंचकूला आता है, तो ये लोकल साइड सीन है। ये आपका सतधारा ये जब हम पंचकूला जाते हैं तो ये रास्ते में आता है। ये देखो, ये जो अंदर की तरफ है ना, ये तो ये पानी का सोर्स है। ये देखो, ये जो कुंड जैसे है ना, ये सतधारा। जब हम डलहौजी से पंचकूला जाते हैं तब ये जो है ये रास्ते में आता है। ये है ये देखो, ये सतधारा। तो ये प्रोमिनेंट नेचुरल वाटर सोर्स इट्स और जनरेशन विजिटिंग डलहौजी सेवन स्प्रिंग गार्गलिंग विद रिफ्रेशिंग वाटर फ्लोज टू द टाउन आर नोटेड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बीइंग रिच इन माइका एंड अदर मिनरल्स। ये पी सकते हैं पानी ना, ये पहाड़ों का ही होगा, यहीं से फूटता है, ये नेचुरल सोर्स है, ये सूख भी जाता है कई बार ना,
लोकल लोग हैं वो यहीं से पानी आते हैं लेकर जाते हैं पीने के लिए ना, शुद्ध पानी बोल सकते हैं आप इसको। डलहौजी बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ है और यहाँ बहुत ऊंचाई पे और बीच का पहाड़ है, आप जिस तरफ घूम जाते हो दूर दूर का दिखता है। तो ये देखो अभी हम आगे हैं पंचकुला में, ठीक है, हाँ पंचकुला में हम आ गए हैं। तो ये सबसे पहले बस स्टैंड सुभाष चौक और गांधी चौक तक वो वन वे वाला रोड था, और गांधी चौक से जो ये रोड आई है ये टू वे आई है, इसमें आगे से भी गाड़ी आ सकती है, ये आमने सामने से यहाँ पे गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो बस स्टैंड से जो ये पंचकुला की दूरी है ना, ये लगभग 4.5-5 किलोमीटर है ये बस स्टैंड से। अगर आपका होटल है और बस स्टैंड से आप आना चाहते हैं तो ये 4.5-5 किलोमीटर में आप इधर पहुँच जाते हैं। आधा किलो बस स्टैंड से आधा किलोमीटर आपका सुभाष चौक आ गया ना, 1 किलोमीटर वहाँ से फिर आपका गांधी चौक आ गया, और 3 किलोमीटर फिर आगे यहाँ से ये है पंचकुला है गांधी चौक से ये। तो यहाँ ऊपर वाटरफॉल है, आप वाटरफॉल जाके आ जाओ, और एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और यहीं से गंजी पहाड़ी का ट्रैक होता है। तो आप घूमते हैं, रेनकोट की जरूरत नहीं है, तो मौसम खराब होगा तब तब रेनकोट की जरूरत पड़ेगी ना। ये फिर ये नीचे भगत सिंह चाचा का ये अजीत सिंह की शहीदी स्मारक है, फिर उधर भी जाके झूले जले पूरा देख के आ जाओ इसको, जो भी है ना छोटी मोटी मार्केट भी है। ठीक ये इधर से करके फिर यहीं मुझे करके फोन कर लेना, मैं आगे लगाता हूँ कोई गाड़ी ना, फिर हमें पीछे लौटना इधर से। हाँ, हाँ। तो आप उधर स्मारक के पास खड़े होके भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, कैमरा तो ले जाओ, कैमरा माल रोड आ गया ये, तो ये आ गया माल रोड ना ये लोजी गांधी चौक, और यहीं से अभी हम जाके आए हैं पंचकुला और सतधारा। तो यहाँ से ये जाता है सुभाष बोली के लिए रास्ता ना, ये तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्वस्थ लाभ हेतु, ये लिखा है ना ये स्वस्थ लाभ हेतु जो है वो मई 1937 में डलहौजी आए थे स्वस्थ लाभ के लिए 1937 में। तो ये मई 1937 से लेकर जो है ये अक्टूबर तक जो है यहाँ पर ये रुके थे, ये मई 1937 से लेकर अक्टूबर 1937 तक की। ये सुभाष बावली है, इतना ठंडा घर में भी नहीं होता, ये है नेचर, ये है नेचर ना। आया ना, आया तो इसमें हमने मिलाया कुछ, इतनी जल्दी दवाई करती है सर, दवाई भी इतनी जल्दी असर नहीं, आपने महसूस किया ना ये, देख लो इतनी जल्दी है किसी चीज का रिजल्ट, दवाई का रिजल्ट नहीं है, आपके सामने आपने खुद पिया पानी है, तो 2 घूंट पीने से इतना है, तो 4 दिन आप इसको पियोगे तो कितना रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखो आपको क्या है, ये इतना बड़ा स्पॉट है, हाँ ऐसा क्यों रखा है, जितने भी टूरिस्ट आते हैं डलहौजी उनको यहाँ पे आना चाहिए ना, तब उनको लगेगा कि हम डलहौजी में आए हुए हैं। सही बात है, ये असली चीजें तो छुपी जा रही हैं, ये तो छुपी हुई हैं, तो टूरिस्टों को पता ही नहीं है कि हमें डलहौजी जाना भी क्यों है या हम आए भी क्यों थे। हवा पानी यहाँ पे इतना शुद्ध है ना, इसीलिए ये जगह फेमस है हवा और पानी की वजह से। आ गई भाई कायदे की लगता है, किसको आई, हमको आ गई। हाँ तो फिर देख लो कितनी जल्दी आई, कितना कितना टाइम हुआ पानी पिए हुए, इतनी जल्दी कोई दवाई भी असर नहीं करती है, और अभी पूरा दिन रहेगी आपको ये। अच्छा, हाँ जब भी कोट लगाओगे, अच्छा इसको गाड़ी में रख लोगे ना, जब भी कोट लगाओगे तो ये आपको तुरंत असर करेगा। डी चौक से खजियार रोड की तरफ जाते हैं तो 2 किलोमीटर के बाद आपका ये बीजी पार्क आ जाता है, ये खजियार के रास्ते में ही है, जब भी हम डलहौजी से आगे निकलेंगे तो आप बीजी पार्क पर भी जो है यहाँ पर रुक कर फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। तो ये डलहौजी पब्लिक स्कूल का ही पार्ट है, तो यहाँ पर भी आप लोग जो है रुककर जो है फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं, जीप में बैठ के भी फ़ोटो निकाल सकते हैं ना, अच्छे फूल वगैरह हो रखे हैं यहाँ पे, अच्छी फोटोग्राफी आती है। तो ये स्कूल का पार्ट है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, पर स्कूल ने अपनी तरफ से ये एक बना के रखा है। तो ये है डलहौजी के लोकल साइट सीन, और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673। आज के लिए बस फिलहाल इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।